नमस्कार। प्रभावती देवी एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर महिला थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और दलित लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। प्रभावती देवी के पिता का नाम ब्रज किशोर प्रसाद था जो एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। प्रभावती देवी की शादी जयप्रकाश नारायण जी से हुई थी। वह भी महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे। जब उनके पति आगे की पढ़ाई करने विदेश चले गए तो प्रभावती देवी गांधी जी के आश्रम में आ गई। उन्होंने अपना अधिकतर समय गांधी जी के आश्रम में ही बिताया। कस्तूरबा गांधी उन्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी। 1932 में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल भी गई। बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के समय उन्हें महिला स्वयंसेवकों की नेता बनाया गया था और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में निभाई गई भूमिका के लिए भी बहुत सराहा गया। नमक कानून तोड़ने के तहत उन्हें भागलपुर जेल भी भेज दिया गया। प्रभावती देवी का ही प्रभाव था कि उनके पति सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए और उत्तर पूर्व भारत और मध्य पूर्व भारत में शांति प्रस्तावों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने गांधीवादी मॉडल पर चरखे या चरखा आंदोलन में स्थानीय और परित्यक्त महिलाओं को शामिल करने के लिए पटना में चरखा समिति की स्थापना की और महात्मा गांधी जी के चरखा आंदोलन से लगातार जुड़ी रही। लेकिन अंत समय में कैंसर से पीड़ित होने के कारण 15 अप्रैल 1973 को उनकी मृत्यु हो गई, पर देश उनकी सेवा भावना को हमेशा याद रखेगा। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन। धन्यवाद।